latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के इस महासमर में अब भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह भी उतर गए हैं। नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गुंजन सिंह ने 28 फरवरी नामांकन किया है। नामांकन दाखिल करने के लिए वो नवादा पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गुंजन सिंह ने कहा कि विकास का मुद्दा पर चुनाव लड़ने आए हैं, जनता के आदेश पर मैदान में उतरे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि घर का बेटा घर का नेता रहेगा। वहीं इस दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप भी साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते दिखाई दिए। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जताई निराशा। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर गुंजन सिंह ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अपने यहाँ की जनता को मैंने वादा किया था, इसलिए उनके भरोसे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवादा में न तो सेंट्रल स्कूल यानी कि केंद्रीय विद्यालय है, ना ही मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ बेहतर अस्पताल भी नहीं है। जनता के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर जाऊंगा। मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता जो है वो मुझे साथ देगी। मनीष कश्यप ने पूछे कई सवाल। वहीं मनीष कश्यप ने कहा कि पिछले 20 साल के चुनाव में देख लीजिए कितने गरीब के बेटे सांसद बने हैं। बिहार का हाल सभी को पता है। गरीब का बेटा क्या लोकसभा में जाकर गरीबी में बात नहीं कर सकता है? बड़े बड़े नेता का बेटे, व्यापारी, माफिया, दलाल क्या सिर्फ यही एक नेता बन सकते हैं? गरीब का नेता बेटा नहीं, बेटा नेता नहीं बन सकता है? क्या बिहार में कोई पत्रकार नेता नहीं बन सकता है? आगे उन्होंने गुंजन सिंह को समर्थन करने की अपील की। चुनाव प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी अच्छा प्रत्याशी बुलाएंगे वो प्रचार करने के लिए जाएंगे। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि एलजेपी के साथ उनका कनेक्शन था कि एलजेपी को नवादा सीट मिलती है तो वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इन मौके पर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई और वहां से एलजेपी का टिकट कट गया। तो अब गुंजन सिंह चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भैया जब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो जीत पाते हैं या नहीं। अगर नहीं जीतते हैं तो फिर किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।